सिनेमा के पर्दे पर कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो डराते हैं तो डरने में भी मजा आता है, हंसाते हैं तो लोग उनके साथ हंसते हैं। शायद कलाकार का यही रंग है जो किसी रंग का नहीं होता है, उसका अपना रंग नहीं है। संजय पांडे जी ऐसे ही कलाकार हैं। सर, जब भी आपका इंटरव्यू करने का मौका मिलता है मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद दिखाई दे रही है। वो करेक्टर के हिसाब से मैं काली सफ़ेद करता रहता हूँ। एक्टर को किसी एक ढांचे में रहना नहीं चाहिए, जैसा करेक्टर वैसा। अभी जवानी का रोल आता खाली कर लूँगा, बुढ़ापे का आएगा, ये वैसे मेरी एक्चुअल दाढ़ी है। तो अभी कोई डबिंग चल रही थी तो मुझे थोड़ा आलस आया, मैंने कहा बढ़ा के रखते हैं। बाकी अभी जस्ट एक फिल्म करके आया, उसमें दाढ़ी नहीं थी मेरी, और आगे जो फिल्म है उसमें दाढ़ियाँ हैं, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा लिया इसको। लंबे वक्त बाद आपकी और मेरी मुलाकात हुई। वैसे पांडे जी आजकल चल क्या रहा है, क्या कौन सी फिल्म चल रही है अभी? फिल्म कंप्लीट करके आया हूँ एक दिनेश जी के साथ, बलमा सिपाहिया। प्रमांशु जी डायरेक्टर हैं उसके, शिवनारायण जी प्रोड्यूसर हैं। वो कंप्लीट हुई, इसके बाद करने जा रहा हूँ मैं खेसारी जी के साथ, मैं सहरा बांध के आऊँगा। उसके बाद सैया सुपरस्टार पवन सिंह के साथ। तो इस महीने मई में ये दो फिल्में हैं मेरी लाइन से। बलमा सिपहिया के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। दिनेश जी की ये फिल्म जो कि शूट हो रही थी, वो फोटोज हमने बहुत सारे देखे, ज़रा अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए कि संजय पांडे जी कौन सा रोल इस फिल्म में निभा रहे हैं। मैं इसमें एक IPS ऑफिसर हूँ, और शुरू में नेगेटिव रहता है वो, बाद में सिचुएशन ऐसी होती है कि उसे पॉजिटिव होना पड़ता है। तो ग्रे शेड का करेक्टर है, और पहली बार बहुत ही रियलिस्टिक वे में किया है, मतलब उस तरीके से बहुत ड्रामेटिक करेक्टर था भी नहीं वो, क्योंकि IPS ऑफिसर है तो नॉर्मली बहुत पोलाइट और बड़ा ही पॉजिटिव बिहेव है उसका, बट कुछ हरकतें उसकी नेगेटिव हैं। विलन से मिला हुआ इसलिए नेगेटिव, उसकी कोई भी एक्टिविटीज नेगेटिव नहीं है। और इंटरेस्टिंग था विलन उसमें सुशील जी हैं, मैं विलन नहीं हूँ, मैं आम्रपाली मेरी सिस्टर बनी है फिल्म में, और दिनेश जी एक सिपाही के किरदार में है, और बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। जब आप नेगेटिव शेड के रोल करते हैं, जब आप प्रॉपर विलन होते हैं, खूंखार विलन होते हैं, जब आप पर्दे पर लोगों को डराते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, तब भी लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं? जब आप ग्रे शेड के रोल्स करते हैं तब भी लोग आपको अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, कैरेक्टर्स करते हैं तब भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, असल में आप चीज़ क्या हो पांडे जी? नहीं देखिए, एक्टर को जो करे उसमें उसका कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही मैं हूँ। हाँ, जहाँ आपके कन्विक्शन की कमी होती है ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करती। जस्ट ये आपने बहुत सही बात छेड़ी कि अभी दो दिन पहले मैं एक दुकान पे खड़ा सामान ले रहा था, वहाँ पे एक बंदा था, उसने मुझे पहचान लिया, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा बात करने की, तो वो दुकान वाले से बात कर रहा था, कहो ये खलनायक बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हंसाई वो करण बहुत बचा, इनका कॉमेडी भी अच्छा लग रहा है। तो रिएक्शन मैं सुन रहा था, तो ये सच है कि ऑडियंस ने मुझे हर करेक्टर में एक्सेप्ट किया, मैं उस ऑडियंस का शुक्रगुजार। राजा बाबू का वो रोल याद है मुझे, जब वो एक्टर जो आपका शेड है उसकी आंखों का कलर मुझे याद है, जब फोन की रिंग बजती है तो डांस करता है, वो कुछ तरह के नए एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन वो बाद में विलुप्त से हो गए, पांडे जी दिखाई क्यों नहीं दिए? वो स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा करेक्टर है वो। अब वो मैं भिंडी फ्राई में चिकन मसाला नहीं डाल सकता, उस करेक्टर के हिसाब से वो करेक्टर डमरू ऐसा था कि उसमें इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। एक एक्सपेरिमेंट मैंने फिर किया है, आप बहुत जल्द देखेंगे 12 मई को निरहुआ हिंदुस्तानी टून, आप उस किरदार से ऊपर का किरदार है वो, जिसका नाम है पारस, जो बुलाने वाला नाम उसका टेंगड़ा है, थोड़ा टेढ़ा होकर चलता है, दांत उसमें बड़े बड़े लगाए हुए हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा सा, और वो मुझे उम्मीद है कि सक्सेस होगा। पांडे जी, मुझे लगता है हिंदी सिनेमा में अमरीश पुरी साहब, गुलशन ग्रोवर साहब, दो ऐसे एक्टर्स थे, लेजेंडरी एक्टर्स थे, जिन्होंने बहुत ही अलग किस्म के किरदार अपने एक्सपेरिमेंट से अपने रोल में हमेशा नए अपने लुक्स में लेके किया, क्या उनसे संजय पांडे कुछ इंस्पायर्ड है? मैं प्राण साहब से ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, अमरीश पुरी साहब को मेरे फेवरेट हैं ही। प्राण साहब के साथ खासियत ये थी कि वो जिस किरदार में जो गेटअप लेते थे उस गेटअप के साथ उसकी चाल ढाल और आवाज़ और अंदाज बदलते थे, बाकी वो महारत बाकी लोगों को मैं नहीं मानती। पुरी साहब ने गेटअप लिया है, पुरी साहब का अपना एक स्टाइल था, अपना एक अंदाज था, बट इस मामले में प्राण साहब का अंदाज मुझे लगता है सबसे अलग था, माइलस्टोन। बहुत दिन हो गए कुछ गाने नहीं सुनाए, अरे आज सुनाओ, आज एक गाना जाते जाते तो सुनाना पड़ेगा मुझे। नहीं, गाना 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 बिना गाना सुनाए भागना नहीं है। आज नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, एक डायलॉग तो सुना दीजिए विलन की तरह। अरे नहीं नहीं, समझ में नहीं आया, तेरा शरीर का खून ठंडा हो गया कि बड़ा होती सर चढ़ के बोला था, लगता रखा कि फैसला मरद ना मेहरा कर दिया। प्लीज़ अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, शेयर करें, हम सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।